Welcome back to the Entrant, where we just don't make you learn, we make you learn better. In this video, we'll talk about the case of PUCL versus UOI. And if you want to check out that case in a descriptive manner, please check out the link in the description. So, in this case, mein, NOTA is a right to voter held water. NOTA matlab none of the above. जिसका मतलब आपने किसी को भी वोट नहीं दिया। ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप जैसे कि कभी भी वोट देना चाहें, तो आप देखिएगा सबसे नीचे NOTA लिख के आएगा, नोटा, जिसका मतलब आप इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी फेस को वोट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो आइए देखते हैं ये चीज क्यों हुई और इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नोटा है उसको एक नेगेटिव वोट भी माना जाता है, क्योंकि इस नेगेटिव वोट से आप एक वोट कम कर देते हैं किसी भी पोटेंशियल पार्टी के लिए। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी को भी वोट नहीं देना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता था। आपको एक 70A का फॉर्म भरवाना पड़ता था जो कि इलेक्टर के पास होता था, और वो आपका सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन लेके आपकी हर एक चीज को रिकॉर्ड करता था और आपका रीजन भी लेता था। तो इससे वोट की सीक्रेसी चली जाती थी। और अगर वहीं दूसरी तरफ इलेक्टर चाहे कि वो आपका वोट ना ले चाहे किसी भी रीजन से, तो उसको भी 17A का फॉर्म भरना पड़ता था और उसमें आपका सिग्नेचर और या फिर थंब इम्प्रेशन लिया जाता था और आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके वो सब चीज रिकॉर्ड कर जाती थी, जिससे कि आपकी सीक्रेसी वहां पर भी जा रही थी। तो फिर ये केस कोर्ट में आया और कोर्ट में आगे जो पेटिशनर थे उन्होंने ये बोला कि सेक्शन 41 सब क्लॉज 2, 41 सब क्लॉज 3, 49O जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1961 के, उनके अंडर हमारी राइट टू सीक्रेसी चली जाती है वोटों के ऊपर। और वहीं सेक्शन 128 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि अगर आपका वोट सबको पता लग जाएगा तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, ताकि तब आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जैसा कि नोटा के केस में भी हो सकता है। तो कोर्ट ने इस केस में क्या किया, कोर्ट ने सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 एंड 49O ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और ये बोला कि अगर सीक्रेसी रखनी है तो ये सारे लॉ आर्बिट्ररी हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस को अपील करते हुए ये बोला कि इट इज द राइट ऑफ इलेक्टोरल टू कास्ट हिज वोट विदाउट ड्यूरेस रिप्रेसल एंड कोर्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस includes protection of identity and secrecy। और फिर इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह गाइडलाइंस दी कि वो नोटा को लगाएं और नोटा को इंप्लीमेंट करें, और फिर उसी की वजह से आपको अब सारे इलेक्शंस में नोटा का ऑप्शन दिखेगा। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।